वार्ड नंबर 17 से चुनावी प्रचार को जुलूस निकालकर अंतिम रूप देने वाले पूर्व पार्षद जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू ने लोगों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं आज चुनाव प्रचार पर रोक लग चुकी है, अब लोग शोर शराबे के बीच घर घर जाकर वोट नहीं मांग सकते। उन्होंने बताया कि वार्ड नंबर 15 की जनता उन्हें आशीर्वाद देकर विजयी। आज चुनाव प्रचार रुक गया है, सभी प्रत्याशी सभी वार्डों में अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम तो जो है प्रतीक्षा करेंगे जी, अभी जो चुनाव होगा, जो अभी चुनाव प्रचार रुक गया है उसके बाद जो हमारे को टाइम मिला है, जो हमारा जो रह गया एक आधा, उसमें हम अपना फोकस करेंगे। जैसे आपने रोड शो निकाला अभी, तो जनता का कितना साथ आपको महसूस हुआ अपने बारे में? तो मैं तो यहाँ पैदा हुआ है, हम पढ़े हैं बड़े हैं, पूरा ही आशीर्वाद है अपना जनता का। हमारा जो है चुनाव जो है पहले भी हमने लड़े हैं, ऐसी आशीर्वाद जनता देती आई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अगर बीजेपी का मेयर प्रत्याशी यहां से जीत दर्ज कराता है तो आप उसको समर्थन करें? नहीं नहीं, हमारा तो अपना ही इलेक्शन है, इसमें समर्थन की बात ही नहीं है। तो डायरेक्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेयर का जो प्रत्याशी है उसकी तो डायरेक्ट वोटिंग होगी, हमारा तो अपना काउंसिलर का चुनाव है। आप सबसे पहले अपने वार्ड में कौन सा काम कराना चाहेंगे जिसकी कमी पीछे रही होगी? अभी हम तो सिर्फ फोकस करेंगे कि म्यूनसिपलिटी की आय बढ़े, कॉरपोरेशन की वहाँ आमदन बढ़ेगी तो कोई काम पर फोकस होगा। तो काम तो बहुत है, अभी जो नया वार्ड जुड़ा है, जैसे मैं गया था वहाँ उस तरफ देवनगर का जो पार्ट ककरोई रोड की तरफ है, वह पानी की और सीवरेज की समस्या बताई है लोगों ने मेरे को। इधर तो तकरीबन ठीक है, अगर सैन नगर में और उधर देवनगर का जो पार्ट उधर का है ककरोई रोड की तरफ, यहाँ सीवर की और पानी की समस्या सबसे पहले, उसी पर फोकस रहेगा। नववर्ष आगमन पर अपने वार्ड की जनता और सोनीपत की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? बस खुशी से अपना जो है राजी खुशी अपना जो है नववर्ष मनाएं, सर्दी ज़्यादा है, बचें इस बीमारी से, कोविड टाइम है, हमने दूरी बनाए रख बना के रखें।